टांडा बरूड में शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने गई महिला सरपंच के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर हुए अतिक्रमण को हटाने ग्राम की सरपंच रोशनी कुमरावत पहुंची थी। इसी बीच अतिक्रमणकारियों ने महिला सरपंच के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसे सरपंच को हाथ, पैर और सर में चोट आई है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने पूरे घटनाक्रम में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी को आदेश दिए। पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो गया है। सरपंच रोशनी कुमरावत द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत बरूड में कबीर पंथ गुरुद्वारे वाले शिष्यों द्वारा आवेदन पत्र दिया गया था कि गुरुद्वारे के पीछे के रास्ते पर सुभाष पिता रामचंद्र द्वारा कब्जा कर रास्ते को बंद कर दिया गया है। पंचायत द्वारा मौका देखा गया और दोनों पक्षों के दस्तावेज देखे गए और पंचायत और पुराना रिकॉर्ड देखा गया, जिसमें सुभाष पिता रामचंद्र कुमरावत द्वारा गुरुद्वारे के रास्ते पर अतिक्रमण करना पाया गया, जिस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा सुभाष पिता रामचंद्र को नोटिस दिया गया था कि अवैध अतिक्रमण को स्वेच्छा हटा लिया जाए, अन्यथा ग्राम पंचायत कार्यवाही के लिए बाध्य होगी। नोटिस देने के बाद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा खरगोन वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। वही अतिक्रमण हटाने को रोकने का कार्य सुभाष पिता रामचंद्र कुमरावत और परिजनों द्वारा किया गया। वही ग्राम प्रधान सरपंच रोशनी कुमार कुमरावत के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। वही सरपंच के साथ मारपीट का बीच बचाव ग्रामीण द्वारा किया गया और थाना प्रभारी तमाशा देखते रहे। बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। पंचायत बरूड में जो कि अतिक्रमण कर रखा था, शासकीय मार्ग पर जो अतिक्रमण कर रखा था, उन्होंने सुभाष पिता रामचंद्र ने आज ग्राम पंचायत की ओर से, मैं सरपंच हूँ और तुड़वाने के लिए ग्राम पंचायत पहुंची तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी और पुलिस मतलब टीआई सर और पुलिस जवान और लेडीज पुलिस के होते हुए भी इन्होंने कोई उनको मेरे को मारपीट करी और उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करी और ना ही मतलब बचाव किया। मैं यही मांग करती हूँ कि जो मेरे को मारपीट हुई है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम लिखते हैं आप? रोशनी। महिला सरपंच रोशनी ने एक आवेदन पत्र यहाँ कार्यालय में आके दिया है, जिसे थाना प्रभारी वरुण के लिए लीगल एक्शन के लिए बोला गया है, उनका मेडिकल कराया जा रहा है और उसमें FIR कराई जा रही है। सर, महिला सरपंच का कहना था कि हम थाने भी गए थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, अब तक सामने तो उस चीज को भी उसको अरेस्ट भी नहीं, जो भी अनियमितता हुई है उसको देख लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।